हम बात करेंगे क्राइम रिपोर्टिंग की। आप सभी लोग जानते हैं कि क्राइम क्या है, नियम और कानून से परे हटकर या नियम और कानून से इतर जो भी कार्य किया जाता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, तो क्राइम रिपोर्टिंग इसके लिए जो मेन आधार होना चाहिए वो आपका सूचना तंत्र। आप लोग पढ़ते हैं कि आपके पास सूचनाओं का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, अधिक से अधिक आपका सूचना तंत्र विकसित नहीं होगा, तब तक आप एक सफल पत्रकार नहीं बन पाएंगे। सूचना तंत्र एकाएक या अचानक क्रिएट नहीं होता है, उसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ता है, फील्ड में लगातार मूवमेंट रखना पड़ता है। और सबसे मेन बात एक पत्रकार बनने के लिए, जो मुझसे भी मेरे चीफ रिपोर्टर्स कहा करते थे जब मैं शुरुआती दौर में था, कि अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सूचना तंत्र विकसित करना ये एक आपकी क्वालिटी है। लेकिन कई बार होता है कि हम लोगों का व्यवहार फील्ड में, हम लोगों की समझ, हम लोगों की सोच उस तेज़ी से विकसित नहीं हो पाती कि हमारा सूचना तंत्र डेवलप हो पाए। तो लेकिन कई बार हमारे पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं समय से। अब मैं अपने एक लाइव एग्जांपल देता हूं। 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, तो करोल बाग में जब पहला ब्लास्ट हुआ तो एक मेरे पास लोकल इन्फॉर्मर की सूचना आई कि सर यहाँ कोई धमाका हुआ। मैंने जब फायर से कंफर्म किया तो फायर ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट है। मैंने तत्काल अपने चीफ रिपोर्टर को बताया कि सर ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आई, क्या करें। तो उन्होंने बोला नहीं तुम मूव करो। मैंने फोटोग्राफर लिया और मैं वहाँ मूव किया। मैंने तो रास्ते में कंफर्म हुआ कि नहीं वही सिलेंडर ब्लास्ट नहीं, बम ब्लास्ट है। और ये यही नहीं, बारेखंबा जी के 5 जगहों पर टोटल ब्लास्ट हुआ है। तत्काल मैं सबसे पहले करोलबाग पहुँचा, गफ्फार मार्केट के पास हुआ था। वहाँ जब मैंने सीन देखा तो मैंने तुरंत वहाँ से चीफ रिपोर्टर से कहा कि यहाँ आप तत्काल एक टीम भेजिए जो यहाँ कवर करेगी और मैं अन्य स्पॉट पर जाना चाहता हूँ। तो हमारी टीम वहाँ पहुँची और बल्कि वहीं नहीं, सारे स्पॉट्स पर हमारी टीम थी। तो अखबार का जब स्वरूप हम तय करते हैं, एक होती है डे प्लानिंग हमारे, तो मॉर्निंग में हम सब फिक्स कर लेते हैं कि आज की हमारी डे प्लानिंग ये है, डे स्टोरी हमारी ये है। लेकिन अचानक जब अपराध या राजनीतिक या कहीं भी कुछ ऐसी घटना घटती है कि हमारा फोकस उस पर हो जाता है, उसके लिए फिर हमको सब चीज़ों को परे रखकर एक साथ टीम वर्क, टीम भावना के साथ जुड़ना पड़ता है, जिससे कि उस घटना या उस इवेंट की कवरेज में हम लोग बेहतर से बेहतर दे पाए। सूचना तंत्र का आपका पकड़ होना और आपको सूचना तंत्र की पुष्टि के लिए अच्छे संपर्क होना अपने फील्ड के ऑफिसर से, ये बहुत ही आवश्यक है। अब क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत बार दिक्कत आती है कि हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं सर कोई खबर है क्या। कोई भी सीनियर ऑफिसर्स अपने मुंह से वो अपना जो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो बता देगा, लेकिन कोई भी अगर उसके डिपार्टमेंटल या कोई भी उसके किसी वर्कर के खिलाफ कोई न्यूज़ है तो कभी आपसे शेयर नहीं करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो न्यूज़ जब पब्लिश होती है तो उसके ऊपर भी बात आती है। तो इसके लिए सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए कि आप जब भी ऑफिसर के पास जाएँ तो अपना होमवर्क पूरा करके जाएँ। जिस भी विषय पे आप अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, शहर में क्राइम बढ़ रहा है, अगर मुझे कमिश्नर का इंटरव्यू लेना है तो मैं ब्लैंक चला जाऊँ, सर शहर में क्राइम बढ़ रहा है, आप बताइए आप पे क्या कह रहे हैं। वो बोलेगा कहाँ बढ़ रहा है, आप क्राइम का डाटा देखिए, हमारा ग्राफ जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन क्राइम ग्राफ बढ़ना और घटना ये सब ऑफिसर्स के हाथ में है। रॉबरीज हमेशा थेफ्ट में आ जाती हैं, स्नैचिंग का भी यही हाल है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर ग्राफ है तो स्नैचिंग का, लेडीज मूव करती हैं मार्केट्स में, लुटेरे आए, चाकू दिखाया, चेन छीन ले गए, पर्स छीन ले गए, तो पुलिस उस केस को स्नैचिंग में दर्ज करती है। तो ग्राफ का घटना और बढ़ना किसी शहर के अपराध का आईना नहीं होता है, उसका कोई मापदंड नहीं है कि अगर ग्राफ कम है और एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो वो ये नहीं है कि हमारा शहर सेफ है। और हमारे समाज का एक बहुत ही कॉमन बात है कि जो भी हम अलग हट के देखते हैं, जो भी अलग होता है सोसाइटी से, जो भी हमारे नियमों से अलग होगा, हम उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर एक नॉर्मल लड़का या लड़की जा रही है रोड पर तो शायद हम लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ अलग है हट के तो हम सब उसको देखना चाहेंगे। क्यों? यही हमारे समाज के साथ। इसलिए जब भी हम क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं तो एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप पक्ष और विपक्ष
उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ हमेशा सामने रखें। एक डीलर या एक बिल्डर आपसे एक स्टोरी शेयर करता है, आपका सोर्स है, आप उसको मना भी नहीं कर सकते, आपको सुनना सबको पड़ेगा। कोई गलत है तब भी आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप उसको मना कर देंगे तो सेकेंड टाइम वो आपको न्यूज़ नहीं देगा। इतना कंपटीशन है कि अगर भारत नहीं छापेगा तो दैनिक जागरण के पास आएगा, दैनिक जागरण नहीं छापेगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाएगा। टाइम्स तो सोर्स जो है कभी आप उसको हल्के में मत लीजिए। जो भी आपका सोर्स है, जो भी आप सोर्स बनाए, उसकी बात को गंभीरता से सुनिए, उसको लगे कि आप उसको वजन दे रहे। आप उसको वजन देंगे, बेशक एक तय करना आपका काम है कि ये खबर है या नहीं है, ये जाने लायक है या नहीं है, या इस खबर का कितना पोर्शन हमको लेना चाहिए। सीनियर्स के अनुभव का लाभ पत्रकारिता में बहुत ज़रूरी है। 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल का करियर होना अपने आप में ये पर्याय नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हो गया या मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। ये एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ आपको डेली नई चीज़ें जानने, सुनने और समझने को मिलती हैं। उसके लिए आप लोगों से, आपके टीचर्स भी कहते होंगे, अखबार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार मुझे भी ऐसी चीज़ें अखबार से पता लगती हैं जो मुझको नहीं पता होती। आजकल का ट्रेंड क्या है, आज से 10 साल पुरानी पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता का अंतर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। मैं महसूस कर पा रहा हूँ आज से 10 साल पुरानी पत्रकारिता क्या होती थी और आज की पत्रकारिता क्या है। नमस्कार, प्रदीप सर ने जो यहाँ पे अपने अनुभव शेयर किए और बहुत सारे अपने अनुभव के साथ साथ बहुत सारी कहानियाँ बताकर, और जैसा क्राइम रिपोर्टिंग में जो चीज़ें जरूरी हैं उन तमाम चीज़ों को बताया। सोशल फैटर्निटी और सोशल इंटीग्रिटी के लिए एक यह जरूरी है कि हम एक सफल क्राइम रिपोर्टर बने और समाज तक उन तमाम चीज़ों को पहुँचाएँ जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो मैं प्रदीप सर को तमाम जिम्सी के स्टूडेंट की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।